केरला में आए और एलपी नहीं आए तो आपने क्या किया? एलपी में आए और आपने ये बैक वाटर्स नहीं इन्जॉय किए तो आपने क्या किया? बैक वाटर्स इन्जॉय करने के लिए शिकारा इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइड। आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना शिकारा राइड का एक्सपीरियंस और आपको कितने कम खर्चे में ये शिकारा राइड मिल सकती है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और कौन सा बेस्ट सूटेबल टाइम है शिकारा राइड करने का, बैक वाटर्स इन्जॉय करने का, आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। बाकी और भी आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, सी फूड अगर आपने इन्जॉय करना है ड्यूरिंग योर राइड, और वेज अगर आप वेज हो, वेज मील आपको कहाँ मिलेगी ड्यूरिंग योर राइड, वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो, करें स्टार्ट। तू नीलकंठा। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो साथ देने वाले हैं प्रशांत भाई, पूरा एक्सपीरियंस कराएंगे हमारे को आज एलपी का, अल्लापुजा जिसे कहा जाता है, उसके बैक वाटर्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद सनराइज। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर शिकारा राइड। अभी हमने जस्ट यहीं से स्टार्टिंग की है और देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा विलेजेस है, जो जैसा कि हमें बताया कि विलेजेस काफ़ी ज़्यादा कवर होंगे, और सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, 6 बजे अर्ली मॉर्निंग के, तो देखते हैं अभी सनराइज़ भी होगा, आपको सनराइज़ भी दिखाएंगे। बाकी आप पीछे का व्यू इन्जॉय कीजिए, देखिए हमारे साथ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एलपी में आप किसी भी सीज़न में चले जाओ, यहाँ पर वेदर हॉट ही रहता है, बट सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा रहता है, अभी का मौसम बहुत ही अच्छा है। ये जो शिकारा है इसमें पर आवर चार्जेस होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कितने हमें चार्जेस पड़े, पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कितने आवर्स के लिए आपको चाहिए वो बुक कर सकते हो। हमने अभी 5 आवर्स के लिए बुक किया है, तो देखते हैं वो इनफ है कि नहीं है। बाकी जो इन्होंने बताया 5 आवर्स वेल इनफ है, 3 आवर्स के लिए भी आपके लिए, मतलब अगर आपके पास टाइम कम है 3 आवर्स के लिए भी आप बुक कर सकते हो। हमने 5 आवर्स के लिए बुक किया है, तो देखते हैं हम आज क्या क्या कवर करेंगे। आपको दिखा देता हूँ मैं पीछे से व्यू। ये जो व्यूज़ आप देख रहे हो ये मॉर्निंग के व्यूज़ है, आई एम प्रेटी श्योर पूरे दिन में आपको ऐसे व्यूज़ देखने को नहीं मिल सकते। एक्यूरेट 6:53 यहाँ पर सनराइज़ हुआ। मेरी मानो तो अगर आपने शिकारा राइड करना है तो मॉर्निंग के टाइम सनराइज़ से पहले ही अपनी राइड स्टार्ट कर दो। हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज इजन्ट इट। अपना रूटीन फॉलो करते हो, योगा कर रहे हैं सुबह का। सो वी हैव मिस्टर प्रशांत विद आवर साइड, एंड एज पर हिम दिस इज द एशियाज लार्जेस्ट लेक। व्हाट्स द नेम ऑफ लेक? वेम्बनाड लेक। So let me show you Asia's largest lake. दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी नजर आएगा यहाँ पर, ऐसा लगता है कि आप समुंदर में आ गए।
प्रशांत, सो व्हाट आर दीज? दीज फील्ड राइस फील्ड, दीज आर राइस एंड बोल राइस, बोल राइस, बोल राइस. ओ ग्रेट. एंड द विलेज नेम? विलेज नेम कुटनाड. कुटनाड, कुटनाड. ओके ओके. दिस इज फेमस फॉर राइस ओनली? फेमस राइस एंड कोकोनट. कोकोनट, ओके ओके, ग्रेट. हाउ लॉन्ग इट इज? दिस इज 250 किलोमीटर ओनली. 250 मीटर्स और किलोमीटर? किलोमीटर फॉर लेक, लेक लेक्स. ओ ग्रेट. So let's enjoy some rice fields. Rice and coconut. Coconut. Coconut, mango, pura. Mango? Mango. Mango as well? Mango. And bananas. Banana. Right. तो इनसे मैंने पूछा यहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं? इधर में पूरा लोग फिशिंग करता है. ओके. एंड शेल फिश है. इधर में केरला में फेमस है करी मीन है, प्रॉन है, टाइगर प्रॉन है. पूरा फिश इधर में. So इसके ये लेक के अंदर फिश भी है? फिश. ओके. सो किस टाइम फिश करता है तो? अच्छा, वो कर रहे हैं. लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू गाइस. सो दे आर डूइंग फिशिंग. जैसा कि मिस्टर प्रशांत ने बताया कौन कौन सी इसमें फिशेज है, आप देख सकते हो. विलेज एरिया में घर घर का खाना मिलेगा था एरिया. ओके. अच्छा खाना मिलेगा. अच्छा अच्छा. वेज है, नॉन वेज है, सब चाहिए तो इधर मिलेगा. ठीक है. तो अब इन्होंने जो बोट है हमारी कॉर्नर पर लगा दिया. अब यहाँ से हम ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं. आप देख सकते हो अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे. तो ये कोई रिवर साइड रेस्टोरेंट नहीं है, ये घर है. यहाँ पे घर का खाना मिलता है और ये जो पत्ते हैं इसमें सी फूड सर्व किया जाता है. जैसा कि प्रशांत भाई ने दिखाया हमारे को, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं, हर टाइप की आपको फिशेज मिलेगी. तो जो हमारे व्यूअर्स नॉन वेज और फिश खाने के शौकीन है वो यहाँ पर आकर डिफरेंट डिफरेंट फिशेज इंजॉय कर सकते हैं. ये नॉर्मल फिश नहीं है, यहाँ पर अलग फिश मिलेगी आपको. मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा और इस विलेज का नाम भी ज़रूर बताऊंगा. दिस इज उत्पम, लोकल डिश उत्पम. हाथ में बैठेगा, अभी भी बैठेगा. बोलो बैठने के लिए. बिठा रहे हैं. अच्छा. इधर जाओ, इधर खड़े हो. मैं आप बड़े लग रहे हैं. नहीं लग रहा नीलकंठा. नीलकंठा रंगदार पपत्र. अरे लग रहा है क्या पन्नू इधर ही जिंदगी नहीं. कौन सी फिश है? तो मलयाल में बोलेगा तेरंडी बोलेगा. तेरंडी, तेरंडी. ये तो बड़ा लेक में नेट मार के पकड़ेगा. नेट मार के, नेट मार के. ये अभी नेट मार के पकड़ना है. पकड़ेगा. जगह का नाम क्या है? ये तो वेनाटगढ़ बोलेगा. कुटनाड एरिया में एक एक जगह है वेनाटगढ़. वेनाटगढ़, ये जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट किया तो बेनाटगढ़ है. इधर स्मॉल कनाल है, पूरा स्मॉल कनाल से स्मॉल कनाल वापस जाएंगे. अब हम राउंड ट्रिप लेंगे. राउंड लेंगे. राउंड. ओके ओके. फिल्म शूटिंग एरिया. फिल्म शूटिंग कौन सी? कोई बागी? बागी, बागी फिल्म. टाइगर श्रॉफ. हाँ, टाइगर श्रॉफ. हाँ, क्या बागी फिल्म इधर में शूट कर दिया. अच्छा. दिल से का एक दिल से. हाँ, जान जले जिया चले. हाँ, जिया चले जान चले. और बागी टू की मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हुई. जैसा प्रशांत भाई ने बताया, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से. आप परसों के. सो ये मूवी शूटिंग एरिया है. किसी तो कल बागी टू की शूटिंग हुई थी यहाँ पर. और एक सॉन्ग जिया जले जान जले. कौन कौन? स्मॉल लेक है एंड विलेज एरिया वेनाटगढ़. आलपी पूरा ब्रिज है, ऐसा छोटा छोटा ब्रिज है. दोनों साइड में राइस फार्म है. ये पूरा विलेज लोग फार्मर्स है. फार्मर एंड फिशिंग, फिशिंग करता है. जीने के लिए फिशिंग करता है. जीने के लिए सिर्फ फिशिंग करता है. फिशिंग करता है. फिशिंग छोटा छोटा शॉप है. तो सेल करता है.
इधर मैं पूरा तो स्मॉल स्मॉल ऐसा फिशिंग करता है। लेकर जाते कहीं और लेकर जाते हैं? नहीं, इधर मैं सेल करता है। इधर मैं दुकान है तो रेस्टोरेंट जैसा दुकान है वो लोग के लिए सेल करता है। हमको इधर में तो काम कर रहे हैं तो अच्छा देखता है। मैं हिंदी फिल्म ज़्यादा देखता है, मैं आमिर खान का बड़ा फ़ैन है। तो तमिल में हमको पसंद विजय है, विजय मास मास विजय है। जॉन अब्राहम केरला का। तेलुगु में अल्लू अर्जुन का पुष्पा फिल्म फेमस है। अल्लू अर्जुन है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, सीजन टाइम है ना। अभी तो क्रिसमस न्यू ईयर सीजन है। हाँ, उसका बाद है तो अब जनवरी 15 का बाद आएगा तो बिग सीजन। कम सीजन है। और यहाँ अभी तो सीजन 12 महीने गर्मी रहती है, गर्म इससे गर्म है। तो आप सुबह आते हैं तो गर्मी थोड़ा कम है, ये तो थोड़ा बाद में है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है ना, बेस्ट। सो गाइस, सुबह टाइम जो है अगर आप शिकारा करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है, जैसा कि यहाँ के लोकल भी बताते हैं और हमने भी एक्सपीरियंस किया। सुबह का सनराइज़ देखना बहुत अच्छा है। और ये शाम कितने बजे तक चलता है? 6 बजे तक। 6 बजे के बाद शिकारा बंद? नहीं, उसके बाद में फिशिंग करता है। फिशिंग करता है नेट मारेगा। हाँ, वो टाइम में हमको चलने का मना है। अच्छा, उसके बाद ये जो शिकारा राइड्स होती है, जितनी भी बोट्स होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि उसके बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए टाइम फिक्स है। तो आप कभी भी केरला में एलएपी में आए तो भाई जी हमारे प्रशांत जी से कॉन्टैक्ट जरूर करें। अगर आपने हाउसबोट में स्टे करना है या फिर आपने शिकारा में राइड करनी है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर इनसे पूछ लेता हूँ। आपका नंबर क्या है बता दीजिए। 9797 78 22 00 51। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो जो इनका नंबर है, वो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने शिकारा में राइड करनी है। आपके जो चार्जेस हैं, इनके जो चार्जेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो पर आवर चार्जेस है। अभी पीक सीजन चल रहा है, बाद में जो चार्जेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया 15 जनवरी के बाद जो सीज़न होता है वो डाउन हो जाता है। अब लेक जो आ गई है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। ये कोई और लेक है? ये तो लेक नहीं, ये पंबा रिवर है। पंबा रिवर काफ़ी ज़्यादा सुना है। सो दिस इज़ लोकल ट्रांसपोर्ट, जो कि लोकल जो डेली के पैसेंजर्स होते हैं वो लेते हैं। इसकी टिकट 10 रुपये है। जैसे हम नॉर्मल एरियाज़ में बायर रोड ट्रैवल करते हैं तो ये फेरी से ट्रैवल करते हैं। इसकी जैसा कि हमारे प्रशांत भाई ने बताया 10 रुपीज़ मात्र टिकट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है लेक पैलेस रिजॉर्ट, वन ऑफ द लग्जूरियस रिजॉर्ट, 4 स्टार जिसे कहा जाता है। ये इन्होंने बताया हमें प्रशांत भाई ने कि ये 4 स्टार रिजॉर्ट है एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है बीइंग अ 4 स्टार। तो चलिए अब हमारे साथ इंजॉय कीजिए यहाँ के नज़ारे, और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल लोग कैसे काम करते हैं।
जैसे हम लोग अपने लोकल एरिया में बस का वेट करते हैं, वैसे ही ये लोग जो आपको मैंने अभी फेरी दिखाई थी उसका वेट करते हैं। ये है फेरी का स्टॉपेज जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बनाया हुआ है। तो ये थी हमारी 5 घंटे की शिकारा राइड। आपने ये सभी 16 मिनट में इंजॉय की। आई होप आपको ये हमारा एक्सपीरियंस एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आई होप आपने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो इंजॉय करी है तो लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।